आज सतीश चंद्र मिश्रा के सियासी रसूख से हर कोई वाकिफ है। बसपा में उनका कद क्या है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी में आज उन्हें नंबर दो और मायावती के चाणक्य के तौर पर पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में 23 जुलाई 2021 वो तारीख है जब बसपा के इस सेनापति ने आगामी चुनाव में हाथी की चाल का उद्घोष कर दिया। अब तो आपके सब लोगों के सामने है ही है कि बहुजन समाज पार्टी में पंडित श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी विगत लगभग 20-22 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, एक सच्चे और निष्ठावान सेनापति की तरह से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। और 2022 में भी वो 2006-07 के तर्ज पर वो बहुजन समाज पार्टी की बहुमत से सरकार बनाते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें वो सफल होंगे। श्री राम की नगरी अयोध्या में शंख घंटों और मंजीरों की ध्वनि के बीच वेद मंत्रों के उच्चारण से शुरू हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी का समापन जय भीम जय भारत के अलावा जय श्री राम और जय परशुराम के उद्घोष के साथ हुआ। आखिरी दो नारे बसपा के किसी सम्मेलन में शायद पहली बार लगे हों, लेकिन यही नारे अब बसपा की राजनीतिक दशा तय कर रहे हैं। और इस व्यूह रचना को तैयार करने से लेकर जमीन पर अमल करवाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं मायावती के भरोसेमंद और बसपा के सेनापति सतीश चंद्र मिश्रा। ब्राह्मण समाज जो पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है, उसके उत्थान की जरूरत हो गई है। सर समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है। और जो हमने करके दिखाया था वो आपके सामने है, और जो इन्होंने किया है वो भी आपके सामने है। इसलिए हम बहन मायावती जी को फिर से मुख्य अतिथि के रूप में बनाएंगे। तीसरी बार 2007 में जब पहली बार मायावती को और बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का अवसर मिला, तो उसमें एक जो सोशल इंजीनियरिंग का कामयाब फार्मूला अपनाया गया, ब्राह्मणों को जोड़ा गया, उसका एक बड़ा श्रेय निश्चित रूप से सतीश चंद्र मिश्रा को जाता है। तो मुझे लगता है कम समय की राजनीति में जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने आप को स्थापित किया, उससे उनकी अहमियत लगातार बढ़ती गई।